सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम अरुण सोनी है, मैं आशा संस्था गाटवाड़ा से हूँ। आज मैं ग्राम सुद्रास में आया हूँ। जैसे किसान भाइयों, आपने पूर्व में ही नीम घोल बनाने की विधि देखी है और उसको अपनाया है, उसी नीम घोल को यहाँ के किसान शीघ्रता से तैयार कर रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वो नीम का घोल शीघ्र तैयार कैसे करते हैं और उसके फायदे क्या हैं। राम राम भैया। राम राम भैया। हाँ भैया बैठो। भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम अरुण सोनी है और मैं आशा संस्था गाटवाड़ा से हूँ। आप लोग भैया अपना परिचय दें। मेरा नाम शरद कटारे है। और भैया मेरा नाम राजेश कुशवाहा है और हम ग्राम सुद्रास के रहने वाले हैं। शरद जी और राजेश जी, आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज भैया हम नीम घोल शीघ्र तैयार कर रहे हैं। आप लोग नीम का घोल शीघ्र तैयार क्यों कर रहे हो? हम भैया नीम घोल शीघ्र तैयार तब करते हैं जब हमारे पास नीम घोल तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता। आपको नीम घोल शीघ्र तैयार करने में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? शीघ्र नीम घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें नीम की पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमें एक मटके की जरूरत होती है। और भैया हमें 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और भैया हमें एक चूल्हे की आवश्यकता होती है। नीम का घोल छानने के लिए साफ एवं पतले कपड़े की आवश्यकता होती है। आप लोग नीम का घोल तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहले भैया हम नीम की डालियां लेते हैं और उनसे पत्तियां अलग कर लेते हैं। अब हम एक मटका लेते हैं जिसमें कम से कम 10 लीटर पानी बन जाए। इसके बाद हम इस मटके में 10 लीटर पानी डालेंगे। ये हमारा आधा लीटर का नापा है, इसकी सहायता से हम मटके में पानी डालेंगे। इसके बाद हम इस मटके में 5 किलो नीम की पत्तियां डालते हैं। इस प्रकार से हम इस मटके में नीम की पत्तियां डाल देते हैं। इसके बाद हम अब इन पत्तियों को उबलने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। अब हमने आग जला ली है, अब इस पर मटके को रखेंगे। आप इन पत्तियों को कब तक उबालते हैं? भैया हम इन पत्तियों को जब तक उबालते हैं जब तक 2.5 लीटर पानी बचे और पत्तियां अच्छी तरह उबल जाएं। अब हम इस मटके को चूल्हे से नीचे उतारकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इन पत्तियों को इसी मटके में मसल लेते हैं। अब हम इसके लिए कपड़े की सहायता से अलग एक बर्तन में छान लेंगे। अब ये हमारा घोल तैयार हो गया। आप लोगों ने यह नीम का घोल तैयार कर लिया है, अब इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? भैया हम पंप में 250 ml नीम का घोल डालेंगे और 14 लीटर पानी डालेंगे और हम इसका छिड़काव कर देंगे। आप एक एकड़ खेत में कितने पंप का छिड़काव करते हैं? भैया एक एकड़ खेत में हम 8 से 10 पंप का छिड़काव करते हैं। ये घोल छिड़काव करते समय मास्क एवं ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। आपको इस विधि से नीम घोल तैयार करने में क्या क्या फ़ायदे हैं? भैया हमें इस विधि से नीम घोल तैयार करने में बहुत से फ़ायदे हैं। इस विधि में बहुत ही कम लागत आती है। सभी वस्तुएँ आसानी से आसपास के वातावरण में मिल जाती हैं। यह घोल फसल में कीटनाशक का काम करता है। यह अन्य प्रकार के कीटों की रोकथाम भी करता है और इससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। और भैया इससे हमारी फसलों की वृद्धि अच्छी होती है और इसके प्रयोग से हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। आप लोगों ने हमें नीम घोल तैयार करके बताया और उसके फायदे बताए। अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम। हम सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी इस विधि को अपनाएं और अपने उत्पादन में आने वाली लागत को कम करें। शरद जी और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें नीम का घोल तैयार करके बताया एवं उसके फायदे बताए और हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा तो भैया राम राम। हाँ भैया राम राम। जैसा किसान भाइयों, आज आपने देखा हमारे किसान
शरद जी और राजेश जी ने हमें शीघ्र नीम घोल तैयार करके बताया एवं उसके फायदे बताए। हम आशा करते हैं कि आप भी इसी तरीके से नीम का घोल तैयार करेंगे और फायदा लेंगे। अच्छा तो किसान भाइयों, राम राम।